हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबके लिए कितनी सारी स्टेशनरी किट्स लेकर आ चुका हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास है गाइज अप्सरा की एस किट जो हमें पड़ती है 160 रुपीज की। उसके बाद गाइज हमारे पास है फ्लेयर की क्रिएटिव किट जो हमें पड़ती है 99 रुपीज की डिस्काउंट करके। और उसके बाद गाइज हमारे पास है डोम्स की चैंपियंस किट जो कि हमें पड़ती है 99 रुपीज की। उसके बाद है गाइज हमारे पास स्कूडल की कलर फन किट जो हमें पड़ती है गाइज 49 रुपीज की। उसके बाद गाइज हमारे पास नटराज की किट है जो है राइटिंग किट, और गाइज ये हमें पड़ती है 49 रुपीज की। और उसके बाद गाइज लास्ट में हमारे पास है डोम्स की वाव किट और जो हमें पड़ती है गाइज ऑलमोस्ट 49 रुपीज की। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी किट है हमारे पास। टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 किट्स है आज हमारे पास, और इन सबकी मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं और देखते हैं कौन सी किट विनर होती है। क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखना एंड तक, और आप लोग बताना पूरी की सारी किट्स में से सबसे बेस्ट किट कौन सी है और सेकंड बेस्ट कौन सी है, तो ये आपको बताना, ये आपके ऊपर है। सो गाइस पूरा वीडियो देखना और पूरा एंजॉय करना, पूरा मस्त मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैक से बिना किसी देरी के, जो है अप्सरा की एस किट। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये गाइस ये तो बिना टीजर के ओपन हो जाएगी, और ये देखिए गाइस, और ये देखिए क्या क्या सामान भरा पड़ा है पूरा इसके अंदर। देखो गाइस कितना सारा सामान है, 160 रुपीज में हमें क्या क्या मिलता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर निकलती है गाइस हमारी, ये देखिए दो तरह की पेंसिल मिलती है। पहले मिलती है हमें अप्सरा की मैट मैजिक एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स, ये देखिएगा अगर आपको दिख रहा हो तो। और उसके बाद गाइज हमें मिलती है और अप्सरा की ट्रिगा पेंसिल्स, ये देखिए दो तरह की पेंसिल मिलती है इसके अंदर, टोटल 6 पेंसिल्स हैं। और उसके बाद गाइज हमको देखते हैं अगला सामान जो क्या मिलता है। हमें मिलता है इसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटी का स्केल, एक डीलक्स स्केल मिलता है 15 सेंटीमीटर का। और इसकी ड्यूरेबिलिटी देखिए, क्वालिटी देखिए गाइज, काफी बढ़िया है, काफी फ्लेक्सिबल है। और उसके बाद गाइज हमें इसके अंदर मिलता है अप्सरा का प्रीमियम 8 कलर पेंसिल्स मिलती है, ये देखिए गाइज 8 कलर पेंसिल मिलती है हमें, और ये हमें पड़ती है गाइज अगर हम खरीदते हैं तो 40 रुपीज की। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कैसी कलर पेंसिल्स हैं। और ये देखिए गाइज ये गोल्डन वाली निकाल के देखते हैं, वाओ क्या बात है, कितनी लग्जरी पेंसिल है गाइज, बहुत अच्छी लग रही है। अब हम निकालते हैं ब्लू वाली, और ये देखिए ब्लू वाली भी बहुत ही अच्छी पेंसिल है, तो इसको रख देते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारा इसके अंदर क्या निकलता है। इसके बाद इसके अंदर निकला है एक हमारा अप्सरा का स्केटर स्पार्कल पेन, और इसको चलाकर देखते हैं कैसा चलता है स्पार्कल पेन। वाओ कितना शाइनी चल रहा है गाइज, ये देखिए क्या शाइन मार रहा है ना, कितना अच्छा पेन है। और उसके बाद गाइज हम देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। इसके बाद निकलती है एक अप्सरा की जंबो इरेजर, ये देखो नॉन डस्ट इरेजर है, और कितनी बॉडी इरेजर है गाइज, और ये आपको पड़ेगी लोकल मार्केट से 5 रुपीज की, ये देखिए मेरी फिंगर जितनी लंबी इरेजर है। और उसके बाद देखते हैं क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर है अप्सरा के 16 वैक्स क्रेयॉन्स है, ये देखिए गाइज काफी अच्छे हैं, और ये आपको पड़ेंगे गाइज शॉप से 35 रुपीज के। तो देखते हैं इसके अंदर कैसे लगते हैं देखने में, यहां से पुश करते हैं, और ये देखिए गाइज ये आ गया है बाहर, और देखिए गाइज कैसे इसके अंदर जो है वैक्स क्रेयॉन्स है, ये देखिए वाओ कितने सारे अच्छी अच्छी क्वालिटी के शेड्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे वैक्स क्रेयॉन्स है गाइज, तो इनको भी रखते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या है। और हमारे पास है गाइज इसके बाद इसके अप्सरा की लॉन्ग पॉइंट शार्पनर है जो आपको पड़ता है गाइज दुकान से ऑलमोस्ट 5 रुपीज का, तो ये काफी लॉन्ग और पॉइंटी पेंसिल को शार्प करता है। और उसके बाद गाइज हमारे पास है अप्सरा की जो है कलरफुल इरेजर है जो 10 रुपए की मिलती है आपको 3 इरेजर, इसमें हमारे पास रेड कलर की इरेजर है, और इसके बाद हमारे पास येलो कलर की और ब्लू कलर की इरेजर है, और गाइज ये आपको पड़ेगी 10 रुपए की अगर आप इसे ऐसे खरीदते हैं तो। और गाइज ये हमने अप्सरा की एस किट ओपन कर लिया, अब बारी है फ्लेयर की क्रिएटिव किट की, और देखते हैं फ्लेयर की क्रिएटिव किट में हमें क्या क्या जो है मिलता है, और ये हमें पड़े 99 रुपीज की। और इसके अंदर क्या क्या आइटम निकलेगा ये सारा इधर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है, और ये देखिए ये भी ओपन हो गई, और देखो कितना सारा सामान है गाइज, वाओ क्या जबरदस्त एकदम गुड लुकिंग स्टेशनरी है। चलिए सारी की सारी जो है निकाल कर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही लंबा बॉक्स है, देखते हैं क्या है ये गाइज, इसकी हाई क्वालिटी 2B लीड्स पेंसिल है, ये देखिए गाइज, और ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, यानी कि इसका लिखने में बहुत ही मजा आएगा, और ये आपको ओपन मार्केट से अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसका MRP नहीं दिया है गाइज आई थिंक इन्होंने, और 70 रुपीज की आपको 10 पेंसिल जो है पड़ती है अगर आप इसे ऐसे ही खरीदते हैं तो। देखते हैं पेंसिल की शेप कैसी है, कैसी देखने में है पेंसिल,
इसको निकाल कर देखते हैं। वाओ, ये ट्रायंगुलर शेप में पेंसिल से देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है ऊपर से, और इनको निकाल कर देखते हैं। वाओ, काफी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है और इनके ऊपर जो डिजाइन दिए गए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत गुड लुकिंग पेंसिल है गाइस, और इसके ऊपर ग्रिप भी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि ये पेंसिल काफी अच्छी क्वालिटी की है। तो इसको रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर अगला सामान क्या निकलता है हमारा। और ये देखिए काफी अच्छा स्केल निकला है इसके अंदर, और ये देखिए ये भी 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ये देखिए गाइज, और ये काफी अच्छा स्केल है। इसको भी रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है गाइज नेक्स्ट। और एक बहुत ही यूनिक डिजाइन का शू शेप का एक रेजर मिलता है, एकदम शू की तरह लगता है। ये देखिए कितना यूनिक डिजाइन है गाइज, ये फ्लेयर कंपनी का है और बहुत ही अच्छी ये पेंसिल को भी शार्प करने में हेल्प करेगा, काफी अच्छा शार्पनर है गाइज। आपके पास भी ऐसा शार्पनर हो तो जरूर बताना मुझे, और नहीं है तो आप ये एएस किट खरीद के ये फ्लेयर की क्रिएटिव किट खरीद सकते हैं। और ये देखिए गाइस कितनी अच्छी हमारे पास एक इरेजर है, बूम इरेजर है, ये देखिए डस्ट फ्री इरेजर है गाइस, और ये आपको लोकल मार्केट से पड़ेगी अगर आप खरीदेंगे तो इसका एमआरपी दिया है 10 रुपीज की आपको पड़ेगी। बहुत ही अच्छी इरेजर है, ये देखो कितनी बड़ी इरेजर है और एक किसी चॉकलेट की तरह लग रही है, काफी सही है ये। और इसके बाद देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर हमारा। और ये देखिए इसके अंदर दो सामान और निकल रहे हैं गाइस, सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं क्या है। फ्लेयर के क्रिएटिव मिनी स्केच पेंस है, 12 शेड्स है हमारे पास, 12 कलर मिलते हैं इसमें, और ये आपको लोकल मार्केट से पड़ेंगे 15 रुपीज के। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से इसके जो है स्केच पेन है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। चलिए ग्रीन वाला निकाल लेते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कैसे चलता है ये देखिए, अरे वाह कितना जबरदस्त चल रहा है गाइस, एकदम नियॉन कलर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। चलिए इसको बंद करके और रख देते हैं और देखते हैं अगला हमारे स्टेशनरी आइटम क्या है। और नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम है इसके अंदर फ्लेयर कंपनी के जो है वैक्स क्रेयॉन्स है, और ये 12 शेड्स मिलते हैं आपको, और ये आपको लोकल मार्केट से अगर से खरीदेंगे तो 10 रुपीज के आपको पड़ेंगे 12 शेड्स। तो देखते हैं इसके अंदर कैसे वैक्स क्रेयॉन्स है, निकाल कर देखते हैं। ये देखिए गाइज, अरे वाह कितना प्यारा वैक्स क्रेयॉन है, एकदम काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ब्लैक कलर का है, और ये देखिए बहुत सारे शेड्स है इसके अंदर आपको दिख ही रहे होंगे, तो इनको भी रख देते हैं। और अब बारी है गाइस, और ये गाइस ये हो चुका है पूरा खाली, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है तो इसको रखते हैं। अब बारी है गाइस डोम्स की चैंपियंस किट की, और देखते हैं डोम्स की चैंपियन किट में 99 रुपीज में हमें क्या क्या मिलता है। और ये देखिए ये सारे इसके कंटेंट्स है जो इसके अंदर निकलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है हमारा, और इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी सील को कैंची से कट कर लेंगे, काफी अच्छी जो है जबरदस्त पैकिंग की है कंपनी ने, तो ये हमने कट कर लिया है इसको, और देखते हैं इसके अंदर हमारा जो है क्या क्या है मिलता है। ये देखिए गाइज ये हमने ओपन कर लिया है गाइज, ये देखिए कितना सारा इसके अंदर भी स्टेशनरी आइटम है, कितना सारा ब्लू कलर का है क्योंकि डोम्स का लोगो भी ब्लू कलर का होता है, इसका सारा सामान भी जो है ब्लू कलर का ही ज्यादातर निकलता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है हमारा। तो सबसे पहले ऊपर मिला है हमें 2-in-1 शार्पनर और इरेजर, ये देखिए इधर है इसकी इरेजर, कितने बड़े साइज की इरेजर है गाइज ये देखिए, और इधर मिलता है शार्पनर, ये देखिए इधर से पेंसिल शार्प कर सकते हैं, और सारा कचरा इसके अंदर स्टोर हो जाता है और बाद में आप घर जाके खाली कर सकते हैं, ताकि आपका रूम क्लासरूम और घर भी गंदा नहीं होगा, डस्टबिन में आप खाली कर सकते हैं इसको। और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, और इसके अंदर निकल रहा है काफी लॉन्ग साइज का, ये क्या है। तो इसके अंदर डोम्स की 5 सुपर डार्क पेंसिल निकल रही है, HB2 ग्रेफाइट पेंसिल है, और ये नियॉन इरेज्ड टिप्ड है, ये देखिए नियॉन कलर की है, ये देखिए कितने सारे कलर इसमें निकलेंगे, और ये आपको पड़ते हैं 30 रुपीज की 5 पेंसिल। तो इसको देखते हैं निकाल करके कैसी ये दिखती है, अरे वाह क्या बात है गाइज, कितनी अच्छी एकदम नियॉन कलर्स हैं, देखिए ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और पिंक, और उसी सेम कलर की ऊपर इरेजर्स भी दिए गए हैं। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आई, काफी क्यूट पेंसिल्स हैं, गर्ल्स को तो स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, और इसके अंदर निकलते हैं डोम्स के वैक्स क्रेयॉन्स 12 शेड्स हैं, ये देखिए कितने सारे शेड्स हैं, और ये आपको पड़ते हैं 10 रुपीज के। तो देखते हैं निकाल के कैसे दिखते हैं देखने में, और ये देखिए वाओ क्या बात है, कितने अच्छे वैक्स क्रेयॉन्स हैं गाइज, ये देखिए। तो इनको भी रख देते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। और इसके अंदर निकला है एक स्केल, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, काफी अच्छी क्वालिटी का, काफी ड्यूरेबल ये भी लग रहा है मुझे, सही है काफी। और देखते हैं क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर निकला है गाइस ये देखिए डोम्स के कलर पेंसिल्स निकली हैं, और ये भी 12 शेड्स हैं, और इसके साथ एक फ्री शार्पनर भी निकला है ये देखिए, और एक निकला है एक्सटेंडर और शार्पनर इसके साथ फ्री है, ये देखिए सारे शेड्स हैं, और ये आपको 30 रुपीज के पड़ते हैं अगर आप शॉप से खरीदते हैं इसको ओपन। और देखते हैं इसके अंदर कैसा इसका एक्सटेंडर है और कैसा इसका शार्पनर है, वो भी इसको निकाल करके देखते हैं। तो ये रहा गाइस इनका एक्सटेंडर, जिसके ऊपर आप जिसकी पेंसिल छोटी हो जाए तो एक्सटेंडर के थ्रू लगा के आप यूज कर सकते हैं, ये इसका शार्पनर है, और ये रही सारी इनकी जो है कलर पेंसिल्स, काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है और पहले से शार्पनड है तो बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं इनको। तो बहुत अच्छी लगी मुझे गाइज ये चीज, डोम्स के प्रोडक्ट गाइज वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये पूरा खाली हो गया है गाइज,
और ये देखिएगा इसके अंदर क्या निकलता है नेक्स्ट, प्लास्टिक क्रेयॉन निकल रहे हैं इसके अंदर, 6 शेड्स हैं, काफी लॉन्ग साइज के क्रेयॉन्स हैं गाइज। और ये देखिएगा ये 25 रुपीज के 6 आपको पड़ते हैं क्रेयॉन्स, और इसको भी निकाल कर देखते हैं गाइज कैसे क्रेयॉन्स हैं। और ये आ गए हैं बाहर, और देखते हैं निकाल के, और ये ब्लू कलर निकालते हैं, देखिए कितना लॉन्ग साइज का क्रेयॉन है ये, देखिए प्लास्टिक क्रेयॉन है। और इसकी प्लास्टिक क्रेयॉन का ये बेनिफिट होता है कि आप इरेजर से इनको मिटा भी सकते हैं, तो इरेजर से इरेज करने में बहुत ईजी होते हैं, गलती से अगर आप गलत ड्रॉ कर दे तो इरेजर से आप प्लास्टिक के क्रेयॉन्स को मिटा भी सकते हो, तो ये बहुत अच्छी खासियत होती है इनकी। सो गाइस अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास स्कूडल की, और स्कूडल की कलर फन किट है हमारे पास, ये 49 रुपीज की पड़ी है, और जल्दी से, और ये देखिए ये सारे इसके अंदर जो है प्रोडक्ट इसके अंदर निकलेंगे, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या निकल रहा है। सो गाइस इसको जो है इसको भी सीजर से कट करके जो है हम निकाल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या क्या निकलता है। ये देखिए गाइस ये हमने कट कर लिया है इसको, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए गाइस वाओ कितना सारा इसके अंदर भी स्टेशनरी का आइटम जो है भरा हुआ है, तो इसको भी निकालते हैं फटाफट से, और देखते हैं इसके अंदर जो है हमारा क्या क्या निकलता है। ये देखिए सबसे पहले इसके अंदर से हमारा निकला एक शार्पनर, और ये देखिए कितनी जबरदस्त कितनी क्यूट पैकिंग है, छोटा सा एकदम प्यारा सा शार्पनर है इसके अंदर, काफी सही लग रहा है गाइज ये शार्पनर मुझे, और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और ऊपर ही देखिए गाइज ये 3 चीजें झांक रही थी तो इनको निकाल लिया हमने, और ये देखिए क्या है, पेन है पेंसिल है, ये देखिए कितना अच्छी ये गाइज ये पेन है, ब्लैक कलर का पेन है, और कितना स्मूथ चल रहा है गाइज, ये देखो इसकी टिप भी कितनी शार्प है एकदम, देखो गाइज एकदम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है ब्लैक कलर का पेन, तो इसको भी रखते हैं, और ये बंद हो गया है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये एक पेंसिल निकली है गाइज ये स्कूडल की, और ये कैसी पेंसिल है गाइज मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी पेंसिल, और ये देखिए इधर से भी पूरी व्हाइट कलर की है इधर से भी, तो इसको यूज करना है मैं गाइज मैं जरूर यूज करके देखूंगा कैसी लगेगी, काफी यूनिक प्रोडक्ट है। और उसके बाद गाइज ये क्या निकला है इसके अंदर देख लेते हैं, इधर कुछ लिखा नहीं है लेकिन इसको प्रेस करते हैं तो इससे निकलेगी एक पेंसिल की निब निकल गई है, देखिए ये पेंसिल है गाइज, ये काफी एक मैकेनिकल पेंसिल बोल सकते हो आप इसको, काफी अच्छी पेंसिल है, और ऊपर एक इरेजर भी जो है इसमें दिया गया है, तो इसको भी इजिली यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छे यूनिक प्रोडक्ट है स्कूडल्स के। और देखते हैं इसके अंदर क्या निकल रहा है, इसके अंदर निकल रही है एक डस्ट फ्री इरेजर है पिंक कलर की, काफी प्यारी इरेजर है, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। और गाइज इसके अंदर निकला है एक क्या निकला है, स्कूडल के 4 क्रेयॉन्स निकले हैं इसके अंदर, और ये देखिए ये आपको 8 रुपीज के पड़ते हैं अगर आप इनको ओपन खरीदते हैं तो, और ये देखिए गाइज अरे वाह, और इसके अंदर जो क्रेयॉन्स निकले हैं वो हमारे टूटे हुए निकले हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो गाइज इसके ऊपर जो एक ऑरेंज कलर का और एक डार्क ग्रीन है जो वो टूटे हुए क्रेयॉन्स निकले हैं, कोई बात नहीं हम फिर भी इनको यूज कर लेंगे, ये छोटी सी पैकिंग में है तो आई थिंक इसलिए टूट गए होंगे, अगर कंपनी वाले देख रहे हो तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में पैक करो इनको। तो और देखते हैं गाइज और क्या निकलता है इसके अंदर हमारा, और इसमें क्या है, ये क्या है गाइज अरे वाह, ये निकला इसके अंदर स्कूडल के नॉन टॉक्सिक 10 ट्रायंगुलर पेंसिल कलर पेंसिल्स निकले हैं गाइज इसके अंदर, और ये ओपन मार्केट से आपको पड़ेंगे 15 रुपीज की पेंसिल्स, और ये देखते हैं कितनी इसके अंदर पेंसिल्स है, टोटल 10 पेंसिल्स होगी आई थिंक। ये देखिए गाइज कितनी सॉरी बहुत ही प्यारी प्यारी पेंसिल्स हैं, और ये देखिए गाइज ग्रीन और पर्पल को निकाल लेते हैं बाहर, ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स हैं गाइज, ये देखिए, और इसको आप नॉर्मल शार्पनर से जो है इनको शार्प भी कर सकते हैं, तो काफी अच्छी पेंसिल्स निकल गई हैं। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, और गाइज ये पूरा का पूरा एक खाली नहीं हुआ है, एक चीज और है, ये देखते हैं क्या है इसके अंदर निकला है, कलर फन का एक ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, यहाँ पे अपनी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और दिस बुक बिलोंग्स टू, यहाँ पर काफी कुछ लिख सकते हैं, और इसके अंदर क्या है गाइज, और ये देखिए गाइज एक छोटी सी एक कह सकते कलरिंग बुक दी गई है, इधर आइसक्रीम है, इधर ये देखिए फास्ट फूड है, बर्गर कोल्ड ड्रिंक फ्रेंच फ्राइज, और बर्गर फ्रेंच फ्राइज किसको खाना पसंद है जरूर बताना, मैं तो मैकडोनल्ड्स जाता रहता हूँ। और ये देखिए सी एकदम इधर एकदम मरीन फिश है, शार्क है, ये फिशेज है, ये फ्लावर्स है, और ये इधर देखिए एक फुटबॉल खेल रहा है एक लड़का, और ये देखिए, और ये देखिए ये वो है मरमेड है, ये देखिए फिशेज सी हॉर्स है इधर, और ये देखिए इधर भी काफी कुछ जो है दिया गया है, तो ये काफी सही लगी है मुझे चीज भी गाइज, तो इसको भी रखते हैं। और अब बारी हमारी गाइज नटराज की राइटिंग किट की, और देखते हैं नटराज की राइटिंग किट में जो है हमारा क्या क्या मिलता है। तो गाइज ये इधर से ओपन होगी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है, और ये देखिए सारी नेट क्वांटिटी इधर दी गई है, ये सारा आइटम इसमें निकलेगा, और ये 49 रुपीज की पड़ी है, तो देखते हैं 49 रुपीज में हमें क्या क्या जो है नटराज में मिलता है। तो ये देखिए काफी अच्छी सील लगी हुई है, इसको खोल लेते हैं,
और ये देखिए खुल गई है और देखते हैं इसमें क्या क्या जो है हमारा निकलता है। तो सबसे पहले हमारी इसमें निकली है ये नटराज की पेंसिल, जो सदा बहार पेंसिल है, जो कम से कम जब से शुरू से कंपनी आई तो इसी कलर की इसकी पेंसिल्स आती है। तो ये 5 पेंसिल निकले हैं इसके अंदर और ये आपको पड़ेंगी ओपन मार्केट से गए 20 रुपीज की 5 पेंसिल, तो 4 रुपीज की एक पेंसिल आपको पड़ती है। तो काफी बजट फ्रेंडली पेंसिल्स और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती है। और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है हमारा। और इसके अंदर निकल रहा है एक स्केल, ये देखिए जब कोई कंपनी नहीं आई थी तो गाइज उस वक्त जो है नटराज सेल करती थी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट। ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी का स्केल है गाइज, काफी सही स्केल है ये भी। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है गाइज हमारा, और इसको रख देते हैं। और इसके अंदर क्या है नेक्स्ट आइटम, ये देखिए एक बहुत ही अच्छा एक शार्पनर मेरे हाथ में आया है गाइज, ये देखिए नटराज का, ये देखिए कैसा शार्पनर है। और ये जो इसको आप शार्प करेंगे तो सारा कचरा जो इधर स्टोर हो जाता है और ये गाइज इधर से ओपन भी हो जाता है, ये देखिए सारा कचरा इसमें स्टोर हो जाता है और बाद में आप फेंक सकते हैं। काफी अच्छा एक शार्पनर है मिनी साइज का। और देखते हैं इसके अंदर गाइज क्या मिलता है हमें। और इसमें है गाइज ये देखिए काफी कुछ है गाइज इसके अंदर, तो बहुत कुछ निकल रहा है बहुत कुछ। ये देखिए वाओ कितनी सारी इरेजर है गाइज, ये देखिए नटराज की पेबल इरेजर है, ये देखिए कितनी सारी इरेजर दी गई है इसके अंदर। और गाइज ये देखिए और ये आपको पड़ती है गाइज 10 रुपीज की पड़ती है गाइज, ये देखिए 5 इरेजर 10 रुपीज की, इतनी कलरफुल इरेजर, इतनी बजट फ्रेंडली है। इसके अंदर ये देखिए कौन कौन से कलर, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, थोड़ा ग्रीनिश है और ये पिंक है। ये देखिए कितनी सारी प्यारी प्यारी इरेजर है इसके अंदर, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी गाइज ये इरेजर, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इसके साथ ही गाइज कुछ चीजें और निकली है, ये देखिए क्या क्या निकला है। एक ही ऐसी स्लिप निकली है, ये देखिए सीरियल नंबर वाली स्लिप है, और एक नॉर्मल वाली इरेजर है प्लास्टो इरेजर जो इसकी हमेशा से ही आती है। और ये देखिए और एक और इसके अंदर एक ये मिला पेन, ये देखिए नटराज का पेन निकला है, ये कौन सा निकला है, आई टिप जेल पेन है और वाटरप्रूफ इंक होती है इसके अंदर। उसको चलाकर देखते हैं गाइज, अरे वाह गाइज कितना अच्छा चल रहा है गाइज, ये पेन बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पेन भी निकला है जेल पेन। और ये देखिए इसके साथ ये क्या निकला है, और इसके अंदर एक पेन और निकला है और आई थिंक ये बॉल पेन है, हाथ पे नहीं चल रहा है बट ये देखिए चल गया गाइज, कितना अच्छा एकदम स्मूथ चल रहा है गाइज ये बॉल पेन, मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल पेंसिल की तरह लग रहा है ये देखने में, बट ये एक पेन है और देखने में पेंसिल की तरह लग रहा है। और गाइज ये भी हो गया हमारा खाली नटराज। और हमारे पास लास्ट में बची है डोम्स की वाओ किट, और गाइज ये हमें पड़ी है 49 रुपीज की, ये देखिए। और इसके अंदर क्या क्या आइटम निकलती है आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर निकल रहा है। तो गाइज जल्दी से इसको भी ओपन करके देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, इसको भी कैंची से जो है कट कर लेते हैं। तो ये रही हमारी कैंची, तो जल्दी से इसको कट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं अपने सारी आइटम्स को बाहर। ये देखिए गाइज ये हमने कट कर लिया है और ये हमारी लास्ट किट है गाइज, पूरा वीडियो देखना तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जिन लोगों ने स्किप की है वो पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी आइटम निकली है ना कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। और ये देखिए गाइज सबसे पहले हमारी इसके अंदर निकलती है ये देखिए क्या, कितनी बॉडी इरेजर है गाइज, ये कैसी इरेजर है मैं पहली बार देख रहा हूं, आई होप आपने देखी होगी, 10 रुपीज की इरेजर है ये देखिए, कितनी एमटेक की इरेजर है और ये जरूर कुछ अलग ही इरेजर होगी गाइज। वाओ क्या बात है, क्या ग्रिप है गाइज, ये देखिए इसको कैसे भी पकड़ो कैसे भी मोड़ो, ये देखो कितनी फ्लेक्सिबल इरेजर है गाइज, मैंने ऐसी इरेजर लाइफ में पहली बार देखी है और आई होप आपने भी देखी होगी। अगर नहीं देखी, अगर आपने पहली बार देखी तो जल्दी से आप इसको खरीदें और ये आपको 10 रुपीज की मिल जाएगी गाइज इजीली। बहुत अच्छी चीज लगी गाइज मुझे, पहली चीज बहुत अच्छी निकली इसके अंदर, और जैसे इसका नाम है वाओ किट तो वैसे एकदम मेरा रिएक्शन था वाओ। और ये देखिए 15 सेंटीमीटर का स्केल है इसके अंदर डोम्स का, ये भी बहुत अच्छा है और ये आपको पड़ता होगा गाइज ऑलमोस्ट 5 रुपीज का पड़ता है। और इसके अंदर देखते हैं और क्या है गाइज, और ये देखिए इसके अंदर निकलता है एक डोम्स का इरेजर और एक निकलता है डोम्स का एक्स्ट्रा लॉन्ग पेंसिल शार्पनर, ये दोनों चीजें निकली हैं। और इसके बाद गाइज देखते हैं क्या है, और इसके बाद है गाइज इधर ये देखिए क्या है, वाओ क्या गजब पेंसिल है गाइज, इसकी लुक देखिए पेंसिल की, ये एक्स्ट्रा सुपर डार्क पेंसिल है, अरे वाह। और इधर डिजाइन देखिए गाइज, ये देखिए क्या डिजाइन बना हुआ है, इधर ग्रीन है इधर रेड है ये मुझे, और इधर ब्लू है, कितनी यूनिक पेंसिल है गाइज, ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल है। और ये देखिए ये नॉर्मल पेंसिल है डोम की, जूम अल्टीमेट डार्क पेंसिल है ये भी काफी अच्छी है गाइज, ये दोनों पेंसिल मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर दो आइटम और है गाइज ये देखिए, और इधर है गाइज डोम्स के कलर पेंसिल से, इधर देखिए काफी अच्छे इधर 6 शेड दिए गए हैं और ये आपको पड़ते हैं गाइज 12 रुपीज के, बहुत बहुत कम रेट है। और उसके बाद गाइज डोम्स के हमारे पास है जो वैक्स क्रेयॉन्स है 12 शेड्स, ये देखिए सारे शेड्स मिलते हैं और ये आपको पड़ते हैं 10 रुपीज के, बहुत ही बजट फ्रेंडली है गाइज। और चलिए हमने देखिए सारे के सारे जो अपने
स्टेशनरी जो है हमने ओपन कर लिए, सारे पैकेट ओपन कर लिए। अब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ कि सबसे बेस्ट जो है स्टेशनरी किट कौन सी थी और सेकंड बेस्ट कौन सी थी। तो आप जल्दी से कमेंट कर दो गाइज, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो लोग कमेंट करेंगे उनको मैं शॉर्ट आउट भी देने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर रहे हैं ताकि वो भी स्टेशनरी किट्स को एंजॉय कर पाए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस हमेशा ही हमारे चैनल पर डेली आते रहते हैं। बाय बाय।